जल थल व नभ से 24 घंटे होगी राम मंदिर की निगरानी, राष्ट्रपति भवन की तरह अभेद्य होगी सुरक्षा। राम जन्मभूमि स्थायी सुरक्षा समिति की बैठक बृहस्पतिवार को रामघाट स्थित कार्यशाला में हुई। प्रदेश के एडीजी सुरक्षा बीके सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय हुआ कि जल थल और नभ से 24 घंटे राम मंदिर की निगरानी की जाएगी। राम जन्मभूमि की सुरक्षा संसद व राष्ट्रपति भवन की तरह अभेद्य होगी। बैठक से पहले सुरक्षा अधिकारियों ने राम जन्मभूमि परिसर का निरीक्षण भी किया। एडीजी सुरक्षा व एडीजी जोन पीयूष मोरडिया सहित अन्य आला अधिकारी बृहस्पतिवार सुबह 11 बजे अयोध्या पहुंचे। अधिकारियों ने सबसे पहले राम मंदिर निर्माण कार्य को देखा। ट्रस्ट के पदाधिकारियों के साथ निर्माण के चलते सुरक्षा व्यवस्था में किए जाने वाले बदलाव आदि को लेकर चर्चा की। निरीक्षण के बाद सभी अधिकारी रामघाट स्थित कार्यशाला पहुंचे, जहां करीब 2 घंटे तक चली बैठक में राम जन्मभूमि परिसर व अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मंथन किया गया। बैठक में राम मंदिर की सुरक्षा में आधुनिक उपकरणों का इस्तेमाल ज्यादा करने का निर्णय लिया गया। तय हुआ कि परिसर में सीसीटीवी का जाल बिछाया जाएगा। एक फायर स्टेशन बनाने पर भी मोहर लगी है। बैठक में 77 करोड़ से अत्याधुनिक हथियार खरीदने को लेकर भी चर्चा हुई। इसके साथ ही राम जन्मभूमि बम निरोधक दस्ता BDS व डॉग स्क्वाड की टीमों की स्थायी तैनात करने की जानकारी दी गई। अभी जरूरत पड़ने पर इन टीमों को बाहर से बुलाना पड़ता था। बैठक के बाद ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने कहा कि राष्ट्रपति भवन व संसद की तरह ही राम जन्मभूमि की सुरक्षा भी अहम है। रामनगरी की सुरक्षा जल थल और नभ से अभेद्य होगी। सरयू की ओर से भी रामनगरी की सुरक्षा मजबूत करने की योजना बन रही है। बैठक में राम मंदिर के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र, मंडलायुक्त गौरव दयाल, IG प्रवीण कुमार, DM नीतीश कुमार, विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष विशाल सिंह, SSP मुनिराज, CRPF कमांडेंट छोटे लाल, IB LIU समेत सभी सुरक्षा एजेंसियों के अधिकारी मौजूद रहे।